आवाज उठाने के लिए एक छोटे से संदेश पर आज इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग अपना अपना काम छोड़ के पधारे हैं। भाइयों, ये लड़ाई किस बात की है? ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं। हम सबको वो समय याद आता है, पुलवामा की घटना हुई, हमारे सीआरपीएफ के जवानों को बारूदी सुरंग ने उड़ा दिया, राजस्थान के 5 जो नौजवान शहादत को प्राप्त हुए। आप में से बहुत से लोग इस बात के साक्षी हैं कि जब तिरंगे में लिपटा हुआ वो सब राजस्थान की धरती पर आया, शाहपुरा में आया, बूंदी में आया, कोटा में आया, हम सब लोग उस तिरंगे में लिपटे उस सब को नतमस्त होकर श्रद्धांजलि देने गए थे। शहीद की चिता जल रही थी, चारों ओर शहीद और भारत माता के जय जयकार लग रहे थे। उसी बीच के अंदर मुख्यमंत्री जी की तरफ से शहीद की शहादत को जो पुष्प चक्र अर्पित करने के लिए जो मंत्री आए, उन मंत्रियों ने जब लोगों ने कहा शहीद के बच्चे देखिए आप छोटे हैं, वो चित्र याद आता है तो मन में तृणाई फूट पड़ती है। शहीद का 3 साल का बच्चा सर मंडाए हुए हाथ में अग्नि दिए हुए अपने पिता की अग्नि प्रज्वलित कर रहा था। उस समय सरकार के मंत्रियों ने कहा जब तक शहीद का बच्चा व्यस्त नहीं हो जाता हम इनके परिवार में जिसे चाहेंगे उसे नौकरी देंगे। सरकार के नुमाइंदों ने कहा शहीद की शहादत अमर रहे, शहीद का परिवार चिन्हित करेगा, हम मूर्ति लगाएंगे, हम संस्था के नाम के आगे शहीद का नाम देंगे। भाइयों, पहली बात नहीं है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष को याद होगा, कोटा से आने वाले हमारे सदस्य ने सवाल खड़ा किया राजस्थान में कितने शहीद हैं, जिन शहीदों की शहादत के बाद सरकार ने उनका पूरा पैकेज नहीं दिया, उनका विद्यालय का नाम नहीं किया। कागज मेरे पास है 158 की सूची। राजस्थान की सरकार ने कहा हमने शहीदों के नाम से स्कूल का हॉस्पिटल का नाम नहीं किया, उनको पूरा पैकेज नहीं दिया। इस सरकार को चिंता हो गई गांधीवादी तरीके से। मैं स्वागत करता हूं इस जनूनी जत्थे का और इसे निवेदन करूंगा सामने आए, बिल्कुल सामने आए, आपका स्वागत है, सामने आओ सब जने। मैं समझता हूं कि बाबा के सम्मान में भाजपा सदैव मैदान में रही है। हमारे महबूब नेता के अपमान के बदले के लिए इस सरकार को गली में ललकारेंगे, चौपाल पर ललकारेंगे, सरकार को घुटनों के बल चलाएंगे। तो साथियों, मैं कह रहा था शहीद की वीरांगनाएं आई, राजस्थान विधानसभा का दरवाजा खटखटाने आई। विधानसभा में मैंने मामला उठाया, इस देश के लिए शहादत देने वाले उन शहीदों की वीरांगनाएं दरवाजा खटखटा रही है। हम बाहर आए, हम देख रहे हैं पुलिस ने भेड़ बकरियों की तरह उन 3-4 महिलाओं को धकेल कर ले जा रही थी। इससे बड़ा दुर्भाग्य हो नहीं सकता। अरे, जिनको 26 जनवरी को बुलाकर हम चरण छूकर जिन्हें सम्मानित करते हैं, उन मेरी बहनों के अपमान को मैंने आंखों से देखा। डॉक्टर किरणलाल जी, उनको लेकर शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे रहे, 9 दिन बैठे रहे। मंजू जाट ने आम अनशन चालू कर दिया,
राज्यपाल को ज्ञापन देने गए और राज्यपाल को ज्ञापन देते हुए जब उन्होंने कहा शहीद की वीरांगना ने कि पुलिस के अधिकारियों इस सरकार के मुखिया को हमारी चिट्ठी दिला दो भाई, उन्होंने कहा तुम उधर जाना चाहती हो, उसी से मैं चोटी पकड़ी गई, बंदूक उठाया गया, शहीद का नन्ना बालक 3 साल की बालिका चिदंक उठी, मानवता मर गई। और उसके बाद में डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने जब सचिन पायलट के घर के बाहर धरने पर बैठे, सचिन पायलट आए, उन्होंने कहा यह मुख्यमंत्री मेरी नहीं सुनता है, यह किसी की नहीं सुनता है, यह सुनता है सोनिया जी की, सुनता है प्रियंका जी की, सुनता है, मैं तुम्हें उनसे मिलाऊंगा। बस इसी बात से मुख्यमंत्री जी कुपित हो गए और जिस प्रकार का व्यवहार हुआ है भाइयों, मैं समझता हूं जिस दिन किरोड़ीलाल जी को एक बड़ा पुलिस और हमारी वीरांगनाओं को पुलिस उठा रही थी, जिस तरह से उसी दिन इस जयपुर के अंदर पुलिस ने नोट के चोरियां हो रही थी, उसी दिन जयपुर की बैंक में डकैती हो रही थी, डकैती कुछ डकैतों की चिंता नहीं थी, किरोड़ीलाल और वीरांगनाओं की चिंता थी। आज भाइयों अगर हमने इस लड़ाई को नहीं लड़ा, वीरांगनाएं आज भी पुलिस की कस्टडी में रेफरल चिकित्सालय और पीएचसी में भर्ती के नाम पर पुलिस ने अपने हिरासत में उनको ले रखा है। किरोड़ीलाल जी के साथ जो व्यवहार हुआ है, यह अपमान उस व्यक्ति का नहीं जिनके सक्सेसर से लेकर पांव तक अलग अलग आंदोलनों में